बन रहा है। अच्छा, करते रहो। चलिए नमस्कार, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैं आपको एल्कलाइन और एसिडिक क्या चीज़ होती है पहले ये भी बताऊंगा, और हमारे आसपास में जो माहौल है वो किस तरीके का हो चुका है, और ये भी आप जब लाइव डेमो आप देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा भी लगेगा। तो एक बॉटल में ये हमारा एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, जिसका थोड़ी मात्रा में इसमें आपके सामने इस ग्लास में डाल रहा हूँ। ये हमारा मार्केट में अवेलेबल एक ब्रांड, मेरे इस ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ भी अगर आप लेंगे इस तरीके का बोतल बंद पानी, सब यही काम करेंगे जो आपको इसमें दिखेगा। और ये भी मिलने वाला एक ब्रांड है इस तरीके की कोई भी, ये हमारा अल्कोहल। और जो आज की तारीख में ये भी डेमो से भी आपको नज़र आएगा, बच्चों के लिए मोस्ट डेंजरस थिंग, ना केवल स्प्राइट बल्कि कोई भी ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल, पेप्सी है, सेवन अप है, इस तरीके के न जाने कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, वो तो सारे के सारे बच्चों के लिए हानिकारक हैं। क्यों हानिकारक है वो भी आप देखेंगे। तो मैं इसकी थोड़ा सा पार्ट इस जार में डाल रहा हूँ। और आमतौर पर किसी भी चीज़ की एसिडिटी और एल्कलिटी को चेक करने के लिए ये एक पीएच टेस्टर के नाम से कह लीजिए या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। तो ये आप कहीं से भी खरीदते थे, कुछ बूंदे मैं इसमें डालूंगा, कुछ बूंदे मैं इसमें डालूंगा, कुछ बूंदे इसमें, कुछ बूंदे इसमें। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चार्ट और एक बुक भी है मेरे पास में, उस बुक के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें 0 से लेकर 14 तक की डिजिट्स हैं। तो 0 से लेकर 6.9 तक अगर कोई चीज़ आती है तो वो एसिडिक कहलाती है। और किस तरीके से हम जानबूझकर अपने इस एल्कलाइन बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो ही बीमारी उसमें प्रवेश करेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो उसमें कोई बीमारी रुक ही नहीं सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। और हम अपने बच्चों के साथ में कितना खिलवाड़ कर रहे हैं जाने और अनजाने, वो अभी आप खास तौर पर देखेंगे। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, 7 न्यूट्रल हो गया, 7 से नीचे एसिडिक हो गया, और उसकी रेंज अलग अलग है, और 7 से 8, 9, 10, 11 ये सब एल्कलाइन की श्रेणी में आ गए। तो इसी सोल्यूशन को मैंने छोटी बॉटल में कर रखा है, ये मैंने डाला एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में, जिसकी कुछ बूंदें मैंने डाली आपके ये आरओ में, ये कुछ बूंदें मैंने डाली अल्कोहल में, और कुछ बूंदें मैंने डाल दी आपके कोल्ड ड्रिंक में। और आप देखिए इनमें कौन कौन से कलर आए हैं। ये हमारा एल्कलाइन ब्लू की तरफ हो गया, 10 pH के आसपास का है, 9 pH के आसपास का है। वहीं पर अगर हम देख रहे हैं ये हमारा आरओ वाटर, और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक। आरओ वाटर जो है वो 6 और 5 के आसपास रहता है, ये भी हमारा 5 और 6 के आसपास रहती है, लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक को देखें तो कहाँ पे है, 1 या 2 के आसपास। और सबसे मज़ेदार बात अगर आप देखें कि हम इस पानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को एल्कलाइन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खाने के शौकीन है, पीने के शौकीन है, बच्चों को पिला रहे हैं, उनका क्या हाल होगा वो अभी आप देखेंगे। कि मैंने इसी एल्कलाइन पानी को अगर आरओ में डाला तो क्या हो गया, ये भी एल्कलाइन में कन्वर्ट हो गया। जो ये हमारा अल्कोहल है ये भी एसिड फॉर्म में होता है, इसमें मैंने इस पानी को डाला, ये भी इसमें एल्कलाइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें एल्कलाइन पानी डाल रहा हूँ तो ये किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और क्या कोई भी बच्चा इतनी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है, 10 ml या 20 ml कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ऐसी 5 लीटर भी अगर पी जाएंगे तो उनकी बॉडी पे एल्कलिटी मेंटेन नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो आप सोचिए उन बच्चों को बीमार होना है कि नहीं होना है। और जिस दिन से मैंने ये डेमो देखा और मेरे आसपास के लोग जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं और इन फ्यूचर भी जो लोग देखेंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक का अपने हाथों से अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक रूपी जहर ना पिलाएं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।